जानकारी के लिए एक दबाएं, प्रेस टू फॉर इंग्लिश। मराठी साथी सभी हेल्पलाइन में आपका नमस्कार। हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हिना आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम। मैम मेरे सामने PSL इंडिया लिमिटेड की पेमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है जो आपके द्वारा दी गई। PSL के विषय में जानकारी दीजिएगा। उससे पहले जान सकते हैं आपका नाम और आप किस राज्य से बात करें? मैम मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूएस खान नाम है मेरा। खान जी जानकारी देने के लिए बेहद धन्यवाद। खान जी PSL में आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैम ये हुआ कि मैंने एक इसमें प्लान ले रखा था जिसका वो समय पूरा हो चुका था। 2014 के अंदर ही मैंने बॉन्ड जमा कर दिए थे मतलब इस तरीके से। और तो जो मेरे पास बाकी मतलब कई सारी FDI थी मेरे पास हुई और RD खाते थे। तो मैम एक मेरा इसमें 45,000 का खाता था। वो खाता की पहली और आखिरी रसीद मैंने अपलोड कर दी थी बॉन्ड के और डॉक्यूमेंट के साथ। तो अब वहाँ से मेरी केवल दो ही रसीदों का पेमेंट मेरे पास आया। 10,000 वाली जो प्रक्रिया चालू की ना आपने ये अब जी। इसके अंदर तो अब मैम मेरा तो जमा धन वहाँ पर जो है 30,000 है और जो मेरा पूरा हो चुका था खाता इसमें से मुझे 45,000 रुपए की पेमेंट होनी थी। पहली बात तो सर बताना चाहेंगे कि अभी ज्यादा अमाउंट के लिए कोई अपडेट नहीं आई है। नहीं मैम आप समझ नहीं रहे सिचुएशन क्या है कि पहली और आखिरी रसीद अपलोड की थी केवल उनकी दो इंस्टॉलमेंट का पैसा मेरे पास आ गया। यानी कि उतना ही दिया जाएगा जी? हाँ तो नहीं मैं आप समझ नहीं रहे आप मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी छमाही किस्त जमा करता था मैं तो वो 5,000 रुपए की होती थी। तो अब दो पहली और लास्ट रसीद यानी कि जो पहली रसीद बॉन्ड के नीचे थी एक तो वो जमा करी मैंने और एक लास्ट की जो रसीद थी वो जमा करी। बीच की नहीं करी क्योंकि बीच की मेरे पास थी नहीं। और सेकुलर ये है उसका पल्स इंडिया लिमिटेड की जो ब्रांचे थी कि पहली और आखिरी रसीद ही अपलोड करके मतलब बाई हैंड दी जाती थी वहाँ और बॉन्ड भी। तो मैम वहाँ पे बाकी रसीदें हमें वापस कर देते थे। उनको कहते कि इनका कोई काम नहीं पहली और आखिरी रसीद यहाँ पे दे दो बस। तो मैम वो गलती मेरे से हो गई कि बीच की रसीदें मैंने अपलोड नहीं की। अब उसमें उनका नंबर भी है जैसे एक पहली रसीद है उसको पहला नंबर और लास्ट की रसीद है उसमें 72वां नंबर। तो मैम जब उसमें सीरीज के हिसाब से सब कुछ है और एक्सपायरी डेट भी है उसके नीचे जो लास्ट की रसीद है कि इस महीने में आपका पैसा मिल जाएगा वो एक्सपायरी डेट हो जाती है उसके बाद कोई किस्त नहीं। तो मैडम क्या सेवा विभाग इतना भी नहीं चेक करते हुए देख रहे हैं कि किसकी पहली रसीद और आखिरी रसीद जो बंदा लगा रहा है तो उसकी तो ऑलरेडी पहली इंस्टॉलमेंट पूरी है। तो मैम दो रसीदों का देने का मतलब क्या था? बड़ा प्रोसीजर जब चालू होता जब मेरा पूरा अमाउंट आ जाता चाहे मूलधन ही आता 30,000 रुपए का जमा धन मतलब जमा धन ही मिल जाता मुझे और ब्याज समेत मिलता तो 45,000 रुपए मिलते। तो कहने का मतलब ये है कुछ मिस्टेक हुई है हमारे इसमें पेमेंट करने में मैम। तो क्या करा जाए? खान जी क्षमा चाहते बट अभी इस विषय में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। आपने एक बार ऑनलाइन आवेदन कर दिया है अभी उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप। मैम ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे तो 30,000 मतलब 30,000 जो जमा था ना उसमें से 10 ही मुझे मिले बाकी तो मेरे 20,000 रुपए तो मेरे 7 साल बाद इंतजार करने के बाद वो भी गए मूलधन। अब मैं किससे शिकायत करूं मैम ये तो बताओ क्या कोई है इसका सलूशन आपके नजर में? आप एक काम कीजिए आप इस विषय में नोडल ऑफिसर के मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो बचे हुए रसीदे भी अटैच कीजिए। अभी वो हम कंफर्म नहीं बता सकते खान जी कि आपको रिफंड कितना आएगा बट आप उस पे मेल करके रखिएगा। जी मैम हो जाएगा समाधान? कुछ समाधान के विषय में हमें जानकारी नहीं है सर। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि रिफंड कितना आएगा इस विषय में हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते खान जी। ठीक है मैडम नोडल अधिकारी जी का कोई नंबर वगैरह कुछ दो हमें। मेल आईडी है नंबर दो प्लीज दो। नोडल ऑफिसर जी PSL @sebi.gov.in। धन्यवाद। इसके अलावा कोई जानकारी सर? मैम इसके अलावा तो अभी कोई जानकारी नहीं क्योंकि मेरे जो